उत्तराखंड में वर्षा विपात भूस्खलन जो विभिन्न स्थान में घरगुड़िक मटी में मिशि जाती जोशीमठ निकट हेलांग एक कोठा भूसुड़ी पड़ तीन आहत होती रवींद्र नेगी अंचल एक कोठा भूसुड़ी पड़ चारिज आहत होती सेपटे आज आउ दुईट मृतदेह उद्धार कर फल सोमवार वर्षा विपात जो एजाए छह जन मृत्यु हो सत जन लोक निखोज अच्छा सेपटे पुणी बढ़ला जमुना नदीर जलस्तर विपद संकेत टपी सारी जमुना जमुनार जलस्तर आज सकाळे विपद संकेत 205.33 मीटर अतिक्रम कर फलरे राजधानी दिल्ली को पुणी थरे बन्या विपद आशंका गत दुई दिन हेलाणी पहाड़िया राज्य में वर्षा जारी रही जमुना नदी जलस्तर बढ़िबार लागिछि किछि दिन तले जमुना नदी में भयंकर बन्या आसी दिल्ली में व्यापक क्षयक्षति घटाइथिला देशर 169 सहर से गड़ब 10,000 ई बस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ई बस सेवा आरंभ होगा बेले 10 वर्ष जाए जारी रहिबो केन्द्र सरकार का आर्थिक सहयोग 57,613 कोटि टंका रे प्रकल्प पाई 10 वर्ष रे केन्द्र सरकार का अनुदान रहिबो 20,000 कोटि टंका केन्द्र कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति मंजूर होइछि 169 सहर से ई बस सेवा आरंभ होगा बेले 181 सहर से हेबो भित्तिभूमि विकास ई बस सेवा द्वारा 45,000 55,000 सीधासलख निजुक्ति मिल पार बोली केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर कहते ध्यान में रखते हुए वर्तमान और भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से जुड़ा हुआ है पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए यह योजना तैयार की गई है जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी अब ये कैसे 100 शहर चुने जाएंगे देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है 169 सिटीज हैं उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसेस मिलेंगी 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए 100 बसें और 20 लाख से 40 लाख की आबादी के शहरों के लिए 150 बसों की सहायता दी जाएगी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को केंद्रीय कैबिनेट रे मिली मंजूरी लाल किला रे स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिथिबा योजना को एबे केंद्र सरकार को आर्थिक व्यापार संक्रांत कैबिनेट मंजूरी कमिटी मंजूरी देछि आगामी 5 वर्ष जाए अर्थात 2028 जाए यह योजना माध्यम 13,000 कोटी टंका रे व्यवबराद करा जाइछि विश्वकर्मा योजना अधीन पारंपरिक कला को प्रोत्साहन मिलिबो कुंभार मोची बढ़ई राजमिस्त्री चारुकला स्वर्णकार आदि 18 जातिर 30,000 लोक एकृत हो सरकार कहते प्रथम किस्ती में 5 वर्ष 5% सुधरे लक्षे टंका एवं तापर 2 लक्ष टंका ऋण मिल योजन संप्रक्त कारीगर को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और परिचय पत्र मिल पीएम विश्वकर्मा योजना मध्यम कारीगर को उन्नत ज्ञानकौशल प्रदान द्वारा प्रस्तुत सामग्री मार्केटिंग क्षेत्र में भी सरकार सहयोग करेंगे स्किल्स बढ़े नए प्रकार के टूल्स नए प्रकार के डिजाइन कैपेबिलिटीज नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हो उन सब चीजों पे ध्यान सबसे पहले और इसमें भी बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है दो तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे बेसिक और एडवांस्ड स्किल और स्किल लेने के दौरान 500 रुपए पर डे का स्टाइपेंड भी मिलेगा फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीज तक का सपोर्ट मिलेगा विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों को 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत
मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छी लिबरल टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे रहेंगी। और ये फर्स्ट ट्रेंच है, ये सक्सेसफुल डिप्लॉय करके अपने बिजनेस को बढ़ाए, उसके बाद में सेकेंड ट्रेंच में 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का लोन क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। समय जैसे नहीं जीवा गोटे छोटा ब्रेक, ब्रेक पर देखिबा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। दिल्ली अशोक विश्वविद्यालय रिसर्च पेपर विवाद, प्रोफेसर सब्यसाची दास को इस्तफा को विरोध कर इस्तफा देले अन्यतम प्रोफेसर पुलापरे बालकृष्णन। संदेह गवर्निंग बॉडी कार्यकलाप, खोला चिठी लिखी स्वर जोरदार कले विश्वविद्यालय समस्त प्रोफेसर। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। Channels, 15 languages. प्रेमिका को खुश करने ब्राउन सुगर बेपार, ब्राउन सुगर टंकारे गर्लफ्रेंड को खुश करुथला प्रेमिक, अभियुक्त ड्रग्स माफिया दीपक बेहरा गिरफ होइछि, दीपक को गिरफ करिछि तमाण्ड थाना पुलिस। दीपक पाखरु 28 लाख टंकार ब्राउन सुगर जबत कर जाइछि, जबत ब्राउन सुगर परिमाण 280 ग्राम। सूचना देइछन्ति डीसीपी प्रतीक सिंह। राजरास्ता को ओह्लैले शिक्षक शिक्षयित्री और शिक्षा कर्मचारी, विभिन्न दावी नहीं आंदोलन को ओह्लैंती। गोटे स्कूल ने समान योग्यता थी समान कार्य करुवा शिक्षकों भितर दरमा चाकरी सर्तावली आदि तारतम्य रहनी, तेणु राज्य सरकार निकट में दावी रखा सहित प्राथमिक ठू माध्यमिक पर्यंत विद्यालयगुड़िक खाली पड़ा शिक्षक प्रधान शिक्षक पदवी को तुरंत पूरण करने को दावी हो। सेहीपरि शिक्षकमानंकु अणशैक्षिक कार्यरे नियोजित नक संपूर्ण शिक्षण कार्यरे नियोजित करा सहित चाकरीरु अवसर नहीं जाइथिबा शिक्षकमानंकर पेंशन भविष्यनिधि बांटी मिलिपारे अनियमितता देखादेइथिबा नै अभियोग होछि। सरकारी निर्देशनामा संकल्प सठिक भावे कार्यकारी कराउनी बोली ओस्टा पक्षरु क्षोभ प्रकाश पाइछि, दाबी पूरण रहिबा पर्यंत अहरात्र धारणारे बसिबे बोली चेतावनी दिआछि। बदलिला नेहरू संग्रहालय और पाठागार नाम, 75 वर्ष धरी देशर जातीय राजधानी में स्वतंत्र परिचय बहन करिथिबा नेहरू संग्रहालय और पाठागार एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय और पाठागार नाम नामित होता बेले कांग्रेस शिविर सृष्टि होइछि कंपन। नेहरू लिगासी को नहीं कांग्रेस नेता आडवोकेसी करुथिबा बेले बीजेपी देइछि फिटिंग रिप्लाई। प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा थिला बेस स्वतंत्र, प्रति भारतीय हृदय यह स्वतंत्र स्थान प्रतिष्ठा करिथिला। हेले स्वतंत्रतार 76 वर्ष पर स्वतंत्र प्रतिष्ठान होइछि नाम परिवर्तन। 77वां स्वाधीनता दिवस ठीक दिनक पूर्व नेहरू संग्रहालय और पाठागार होइछि नाम परिवर्तन, एबे यह प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पाठागार नाम नामित होइछि। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फेल्ट दैट वी मस्ट हैव ए म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, देन द क्वेश्चन अरोज एज टू वेयर इट कुड बी लोकेटेड। द प्राइम मिनिस्टर गेव दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू व्हाट वाज अर्लियर नोन एज नेहरू मेमोरियल म्यूजियम NMML, एंड द आइडिया वाज टू शोकेस द वर्क ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। I think that was a great idea and he gave that responsibility to Nehru Memorial Museum Library and I think we are very privileged and honored to take up that responsibility. कहीं कि स्वाधीनता दिवस रो दिन को पूर्व रो हला नाम परिवर्तन, या पछर अछि कि किछि राजनीति। The first initiative to change the name was taken on 15th June when the general body of the society was called. And Rajnath Singh ji, who is the Vice President of Society and the Prime Minister is the President of Society, Rajnath Singh ji presided over that meeting. Now, under the law, if we want to change the name of a society, the general body has to meet twice after a gap of a month. So, it met again on 18th July and reiterated the change of name. Then it went to the Registrar of Societies.
This is a process. Some days we got the clearance from the registrar of societies. It's just a matter of coincidence that it has come on the eve of our Independence Day. नेहरू संग्रहालय एवं पाठागार नाम परिवर्तन को नहीं कांग्रेस शिविर रे कंपन। कांग्रेस रो कहबा कथा नेहरू नामक सहयोग करि पर नथुबा वर्तमान रो मोदी सरकार नेहरू लिगासी रो तळितळांत कर देबा को चाहुचंती। एमिति कहि देश रो स्वाधीनता आंदोलन एवं देश रो विकास रे नेहरू को अवदान को हाइलाइट करबा को चेष्टा करिछि कांग्रेस। जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम एक युवा नेता इतना योगदान दिया आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में जिसने इस देश को आजादी दिलाई उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है नरेंद्र मोदी सरकार का। मिस्टर मोदी ऑन अटल जीज बर्थडे डेथ एनिवर्सरी इज ट्राइंग टू एरेज द लेगेसी ऑफ नेहरू विच वॉज क्रिएटेड बाय लाल बहादुर शास्त्री एंड राधाकृष्णन जी। It shows the pettiness of Mr. Modi. It shows the RSS, Bharatiya Janata Jansangh and Bharatiya Janata Party's hate against Pandit Nehru. आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन माना कि किसी चीज को दबाकर हटाकर इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूछे पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी। सबडे नेहरू लिगेसी को कांग्रेस करथुबा एडवोकेसी रे मुंहतोड़ जवाब देछंती वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी है। उनकी तो सोच क्या है, बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। तो संस्थागत विकास के दृष्टि से प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, मंत्री एक संस्था है और प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाते उसको नामांकित सारे प्रधानमंत्रियों को जिन्होंने इस देश की सेवा की है सबके लिए समर्पित किया है कि वो किसी व्यक्ति के दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्र के दृष्टि से। बीजेपी रो कहबा कथा नेहरू संग्रहालय किसी निर्दिष्ट परिवार मध्यरे सीमित थिला जहां बे व्यापक हेबा को जाउची अर्थात देशर विकास प्रति समस्त प्रधानमंत्री को अवदान स्थान पाइबा को जाउची। हेले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को कहबा कथा क्षमतारे थिबा सरकार जहां चाहिबे ताहा करि परिबे किंतु लोकंक हृदय थिबा नेहरू को बदलाई परिबे नाही, इतिहास बदलाई दे परिबो बोली से कहचंते। इतिहास की पुरानी यादें है चाहे संसद हो चाहे मेमोरियल हो, एक तो बिल्डिंग के बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। जो इतिहास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी, तो उनका खुद का इतिहास वो लोगों ने बनाया है, आप उनका जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे हो। 1964 मसीह नवंबर 14 तारीख देशर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जन्मवार्षिकी प्रतिष्ठा होता नेहरू संग्रहालय एवं पाठागार जार नाम एवं परिवर्तन कर सरकार कहवा कथा परिवारवाद मुक्त हो प्रतिष्ठान गणतांत्रिकरण। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 इंडिया। शिक्षानुष्ठान भयर वातावरण ताहा पुणी देशर एक प्रमुख शिक्षानुष्ठान एक आम कहूनु बर कहते से प्रतिष्ठित शिक्षानुष्ठान प्रफेसर माने दिल्ली स्थित अशोक विश्वविद्यालय को नहीं एपरी खबर सामना को आसी रिसर्च पेपर को नहीं अर्थनीति विभाग प्रोफेसर सब्यसाची दास गत सप्ताह इस्तफा देता बेले आज इस्तफा देते अन्यतम प्रोफेसर पुलापरे बालकृष्णन। प्रोफेसर सब्यसाची दास इस्तफा को विरोध कर इस्तफा देते प्रोफेसर पुलापरे बालकृष्णन आउ एबे अर्थनीति विभाग पई आगको आछंती विश्वविद्यालयर समस्त प्रोफेसर। प्रोफेसर सब्यसाची दास को रिसर्च पेपर थिला डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अर्थात विश्वर सर्वबृहत गणतंत्रर गणतांत्रिक अधोपतन जहाकुनी बीजेपी और कांग्रेस मध्यरे बाग युद्ध आरंभ होइथ्या बेले विश्वविद्यालय गवर्निंग बॉडी
पाखक यह पठा जाता प्रफेसर दास शिक्षानुष्ठान कौन से नीति नियम उल्लंघन कर गवर्निंग बॉडी तांको रिसर्च पेपर मूल्यायन करने ग्रहण करोफा दे गवर्निंग बॉडी ताकु ग्रहण करने जहां विरोध कर प्रोफेसर पुलापुरे बालकृष्णन एवं इस्तफा देते आउ दुई दुईज प्रोफेसर इस्तफा पर पूरा विश्वविद्यालय प्रोफेसर सामना को प्रोफेसर माने लिखिता चिठी में दुईट दावी कर प्रथम दावी हो तुरंत प्रोफेसर सब्यसाची दास को बिना कौन सर्त पद से पुनः निजुक्ति दिया द्वितीय प्रोफेसर किंवा कौन छात्र छात्री रिसर्च किंवा स्टडी पेपर में गवर्निंग बॉडी हस्तक्षेप न करने दावी कर प्रोफेसर सब्यसाची दास रिसर्च पेपर में बूथ लेवल रे इलेक्शन मैनिपुलेशन को हाइलाइट कर बीजेपी जो राज्य क्षमत अच्छी से दल निकटतम प्रतिद्वंदी क्लोज फाइट कर जितुची पुणी अत्यधिक प्राधान्य रखुवा निर्वाचन मंडल में राज्य प्रशासनिक अधिकारी पर्यवेक्षक नियोजित करने इलेक्शन मैनिपुलेशन को सूचाऊ रिसर्च पेपर में लिखिं प्रोफेसर सब्यसाची दास सफलता पथे चंद्रयान थ्री कक्षपथ यात्रा सरला चंद्रयान थ्री को चंद्रर पार्किंग कक्षपथ को नेला इसरो आज सुधा 153 गुणन 163 कक्षपथ में चंद्रयान थ्री एवं लैंडर रोवर पृथक प्रस्तुति भी आरंभ हो आसंता काली सुधा लैंडर रोवर अलग हेबो एजाबत लक्ष्य हासिल होइतिबा इसरो पक्षरु सूचना।